तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी बरकरार, नू लीग ने फिर मैदान मार लिया। एनए 133 का जिम्मी इलेक्शन, शाइस्ता परवेज मलिक 40,811 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के असलम गिल 32,313 के साथ दूसरे नंबर पर। टर्नआउट 18.59% रिकॉर्ड। 9 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त। दुनिया न्यूज का सबसे पहले सबसे तेज का एजाज बरकरार। सबसे पहले आपको बताएं, एनए 133 में जिमनी इलेक्शन, पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। दुनिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है पोलिंग स्टेशन नंबर 25 का यह गैर सरकारी नतीजा, जहां से मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 89 वोट हासिल करके आगे हैं। एनए 133 में फतह, अवाम के गैर मुतजलजल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ वोटरों के शुक्रगुजार, अल्लाह का शुक्र है, शेरों को मुबारक हो। नून लीगी उम्मीदवार की फतह पर मरियम नवाज का ट्वीट, दुनिया न्यूज की ब्रेकिंग भी शेयर कर दी। अवाम अब बातों, दावों और नारों के फरेब में आने वाले नहीं। हमजा शहबाज का मुबारकबादी पैगाम। पीपल्स पार्टी की कौन सी कारकर्दगी थी कि वोट 5,000 से बढ़कर 30,000 हो गया। सिंध का पैसा लाहौर के जिमनी इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। वीडियो स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे अली परवेज मलिक का हाजिर। एनए 133 का जिमनी इलेक्शन, जीत वाजे होते ही मतवालों का जश्न। ढोल की ताप पर भंगड़े, एक दूसरे को मुबारकबाद, मिठाइयां भी तकसीम। पीपल्स पार्टी का लाहौर में नया जन्म पंजाब में तब्दीली का सबब बनेगा। एनए 133 का जिमनी इलेक्शन टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वस्ती पंजाब की क्यादत और कारकुनान की मेहनत रंग लाई है। आसिफ जरदारी का राजा परवेज अशरफ को टेलीफोन। एनए 133 में जिमनी इंतखाब, टर्नआउट कम, जयाली और मतवाले परेशान। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के रहनुमाओं से राबते। सूरत हाल की लम्हा बा लम्हा मॉनिटरिंग। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी रिपोर्ट्स लेते रहे। एनए 133 में जिमनी इंतखाब के दौरान जब्त इखलाक की धज्जियां। वोटर मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ में दाखिल, बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर दीदा दलेरी से सेल्फी भी बना ली। सियालकोट वाकये की तहकीकात जारी, दायरा वसी कर दिया गया। हुजूम को इश्तियाल दिलाने वाले अदनान इफ्तिखार समेत मजीद 7 मुलजमान गिरफ्त में। गिरफ्तार अफराद की तादाद 124 हो गई। 13 मुलजिम एक रोजा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आज गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद से बचाने की कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म का मलिक अदनान के लिए तमगा शुजाअत का ऐलान। नौजवान की बहादुरी और इखलाकी जुरत को सलाम। अपनी जान को खतरे में डालकर मजलूम को बचाने की कोशिश की। इमरान खान का खराज तहसीन। मीटिंग कर रहे थे प्रियंदा साहब के साथ, तो अचानक मुझे कॉल आई कि सर कुछ लोग नीचे जमा हो गए हैं जो प्रियंदा साहब को मारने की के लिए आपके ऑफिस की तरफ आ रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा सर आप थोड़ा साइड पे हो जाएं। हम सीढ़ियों पे खड़े हो गए जो लोग आ रहे थे उनको रोकने के लिए, लेकिन वो फिर लोग ज़्यादा हो गए, नहीं रुके हमसे। फिर वो प्रियंदा साहब एग्जिट पॉइंट उठ रहे थे छत के ऊपर से, फिर उनके पीछे भागे, उनको मारने की कोशिश की, वो मारने लगे और इतनी देर में मैं पहुँच गया। फिर मैं उनके ऊपर लेट गया, उनको बचाने की कोशिश की कि कम अज़ कम मैं अपने कुलीग को बचा सकूँ इन लोगों से। प्रियंका ईमानदार और काम के हवाले से सख्त रवैया रखते थे। हुजूम से बचाने की भरपूर कोशिश की। अपने मुल्क के इमेज के लिए जान भी कुर्बान है। अदनान मलिक तमगा शुजाअत के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का कत्ल। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुलज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत। अफसोसनाक वाकये के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तफ्तीश को फैंसी अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। उस्मान रोजगार का हुक्म।
जो मामला है एक्सट्रीमिज्म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में लोग हैं। हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस खतरे का एहसास करती है। सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ऑर्डर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर होगा ही तो हम सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सियालकोट वाकये पर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। इंतहा पसंदी एक जमात का मसला नहीं, मुल्क में सियासत और जमहूरियत के लिए कानून की अमलदारी जरूरी है। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पी डी एम की स्टीयरिंग कमेटी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, पार्लियामेंट से इस्तीफों पर मुत्तफिक। इस्लामाबाद रवानगी से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसों का प्लान। शाहिद खाकान अब्बासी के जेर सदारत इजलास की सिफारिशात तैयार, आज सरबराही बैठक में पेश की जाएंगी। बल्दियात के सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने पास रखना चाहती है, बिल्कुल मुअत्तल कर दिया है बल्दियाती निज़ाम को। बड़े लेवल के ऊपर भी मजाहरे करेंगे और जरूरत पड़ी तो असेंबली के दरवाजे तक भी जाकर बैठेंगे। पीटीआई की हुकूमत है, हम इत्यादी हैं, जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इत्यादी हैं, जब तक हैं, वक्त आएगा तो अलग भी हो जाएंगे। पैसा है, ये कराची और इंटीरियर सिंध की बात नहीं है, पर इंटीरियर सिंध में बता देंगे कहाँ लग रहे हैं। तो ये जो ये इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम मुस्तरद, नून लीग और एमकेएम का सड़कों पर आने का इंदिया। जियाली सरकार ने सिस्टम मुअत्तल कर दिया। तरमीमी बिल की वापसी के लिए दीगर जमातों से मुशावरत भी जारी है। रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतहदा के वफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकात, एपीसी में शिरकत की दावत। इलेक्शंस होते हैं उसमें बड़े एक से ज्यादा पैनल्स होते हैं, मजदूर, किसान, अकलियत, मुख्तलिफ किस्म के पैनल्स होते हैं, बहुत मल्टीपल पैनल्स होते हैं, वो ईवीएम पे नहीं हो सकते। मुख्तलिफ पैनल्स के बाइस बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम पर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सिर्फ 200 उम्मीदवार आ सकते हैं। इसी नाजिम के इंतखाब के लिए मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। शिबली फराज इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। सरदारी का बेटा पर्ची चेयरमैन, ये पर्ची लहरा के वहां पे बड़ी तकरीरें झाड़ता है, जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ है, इंसानी हकूक की बात करता है। एक हुकूमत ने इनकार किया कि हमने ये सियासी इंसाफ कार्ड नहीं देना। वो कौन सा सूबा था? जरदारी लीग का और जरदारी का फ्रंटमैन मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी की हुकूमत। पर्चियां लहराकर सिंध के हकूक की बात करने वालों ने आवाम को मसाइल में धकेल दिया। पीपल्स पार्टी सूबे के आवाम को सेहत कार्ड की सहूलत की राह में रुकावट बन रही है। तहरीक इंसाफ खिदमत का सफर जारी रखेगी। मुराद सईद का उमरकोट में खिताब। कराची में ग्रीन लाइन मनसूबे के आजमाइशी ऑपरेशंस का 10 दिसंबर से आगाज, वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। आईटीएस सिस्टम की इंस्टॉलेशन जारी, कई स्टेशन पर बर्की जीने अभी तक गैर फौर। चनियोट में घरेलू झगड़े पर रिश्तेदारों ने गोलियां चला दी, फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफर जांबहक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, हाईकोर्ट के हुक्म पर आज से अमल दरामद, लाइसेंस ना रखने वालों को 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। लंदन में गवर्नर पंजाब का चलान, चौधरी सबर की गाड़ी को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना, वार्डन टिकट चस्पा करके चला गया, सवारों को घर पहुंचकर पता चला। बिहाड़ी में कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के मुजस्मे से चश्मे की चोरी, वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब, मुलविस नासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फजाई आलूदगी और गर्दोगुबार में वाजे कमी। वादी नीलम, पाक, मालम जब्बा, कलाम, जियारत और लोयरदीन में पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोरोना की शिद्दत मजीद कम। मुस्बत केसेस की शरह 0.82% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद जां बहक। 372 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ गई। तमाम तर मुखालिफत और भारतीय साजिशों के बावजूद बरतानिया में रेफरेंडम। सिख कम्युनिटी की जानब से 5वें मरहले के लिए हक राय दही का इस्तेमाल। इंडोनेशिया में आतिशफिशां फटने से 14 अफराद हलाक, 56 जख्मी। जावा जजीरे पर राख और धुएं के बादल। 1000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और बारिश से मुतासरा ढाका टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान 188 रन पर। दो खिलाड़ी आउट से अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। बाबर आजम और अजहर अली क्रीज पर मौजूद।